बच्चों, आज की कक्षा में अपन विषय पर्यावरण पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव के अंग। तो मानव के अंगों के बारे में इस पार्ट में आपको बताया गया है, बाहरी अंग और आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी दी गई है कि वो अपने शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं और वो कितने संवेदनशील हैं, आंतरिक अंग और बाह्य अंग। तो बच्चों, आपको इस पार्ट में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे कि अंग मतलब शरीर के हिस्से, और कैविटी मतलब खाली जगह, धमनी मतलब हृदय तक शुद्ध रक्त वाहक नलिया, शिराओं का मतलब होता है हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाने वाली नलिया, और धड़कन का मतलब होता है हृदय की गति प्रति मिनट, और कोशिका मतलब शरीर का सबसे छोटा हिस्सा। तो ये आपके इस पार्ट में जो कठिन शब्द हैं, वो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे लिख के समझा दिए हैं। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए आप कि इस पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग, मस्तिष्क और उसके क्रिया करने के तंत्र, हृदय व उसकी क्रियाएं, फेफड़े व उसके कार्य करने का तरीका, और वक्त और उसके काम करने का तरीका। अंग किसे कहते हैं? खाने की अच्छी आदतें और अपने हृदय फेफड़ों को स्वस्थ रखना, इस पार्ट में आपको ये जानकारी दी गई है। तो आपने जरूर देखा होगा बच्चों कि एक कारीगर किस प्रकार ईंटों को जोड़कर मकान बनाता है, कोशिकाएं भी ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर बनाता है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में एक प्रकार से वही काम करता है जो कि एक मकान में ईंट करती है। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। जब कई अंग एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो एक तंत्र कहलाता है। तो आपका इसमें प्रश्न बन जाएगा कि तंत्र किसे कहते हैं? तो आपको ये उत्तर याद रखना पड़ेगा कि जब कई अंग एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो एक तंत्र कहलाता है, जैसे कि हड्डियों का तंत्र, पाचन तंत्र आदि। आइए हम इस बात को जो है आपके इसमें तालिका दे रखी है, आप तालिका को देखिए, अपनी किताब खोलकर पार्ट 3 निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, इसमें आपके देखिए आंखें, नाक और कान, जीभ, ये सब आपको एक तालिका में दे रखे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बाह्य अंग देखिए कि बाह्य अंग हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में दिखाई देते हैं और आंतरिक अंग शरीर के अंदर के हिस्से में होते हैं। तो ये तो आपको सबको पता ही है कि बाहरी अंगों के नाम भी आपको पता है, लेकिन एक बार और फिर से आपको मैं उदाहरण के लिए बता देती हूँ कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों अंग मिलकर बाह्य अंग बनाते हैं। ये अंग मिलकर इंद्रिया संवेदनशील अंग भी कहलाते हैं, मतलब ये अपने संवेदनशील अंग भी हैं। इनसे अपन को सब चीज की जानकारी मिलती है। आंखों से अपन देखते हैं और कानों से सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं और नाक से सूंघते हैं। तो ये हमारे संवेदनशील अंग भी कहलाते हैं। तो आपका प्रश्न इसमें एक और बन जाएगा कि संवेदनशील अंगों के नाम लिखिए। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये अपने संवेदनशील अंग है। ये बाहरी अंग हमारे आंतरिक अंग व बाहरी वातावरण से हमसे जोड़ने का एक माध्यम है। उदाहरण, जब हम बाजार से अच्छी चॉकलेट खरीदने जाते हैं तब हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क को सब तरह की सूचनाएं देती है। सबसे पहले अपन दुकान में जाएंगे, अगर चॉकलेट खरीदना है तो अपन सबसे अच्छी वाली चॉकलेट ढूंढते हैं, तो वो किसके माध्यम से ढूंढते हैं? आंखों के माध्यम से ढूंढते हैं। तो आंखें ही हमको बताती है, मतलब मस्तिष्क को बताती है कि कौन सी चॉकलेट अच्छी है, तो वो अपन फिर ले लेते हैं। तो हमारे शरीर में विद्यमान अन्य प्रकार के तंत्रों की जानकारी अब आपको हमने दे दी है। तो तंत्र और अंग आपको मैं दोनों पढ़ के बता देती हूँ कि संवेदन तंत्र तो मस्तिष्क, रीढ़नी, हड्डी, मेरुदंड संवेदनशील कोशिकाएं हैं, और रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनी व शिराएं, श्वसन तंत्र नासा छिद्र, मुंह, फेफड़े, श्वसन और डायफ्रामा, और पाचन तंत्र में आपका आ जाएगा मुंह, ग्रंथियां और ग्रास नलिका, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। आपका ये
पाचन तंत्र में आ जाएगा। और मांसपेशियों का तंत्र, विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित है। मांसपेशियां दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो आपके प्रश्न बन जाएंगे कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दो प्रकार की मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो हड्डियों का तंत्र और विभिन्न प्रकार की हड्डियां जो आपस में, हड्डियों की झिल्ली द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, जो हमें एक सही आकार व सहारा देती है। तो अब आपको संवेदनशील तंत्रों के बारे में जानकारी मिलने जा रही है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुदंड और संवेदनशील कोशिकाएं। मस्तिष्क एक गोल डिब्बे नुमा हड्डी में पूरी तरह से बंद है। आपने कई बार चित्रों में देखा होगा मस्तिष्क का चित्र जो है बिल्कुल ऐसे बंद रहता है डिब्बे जैसी आकृति में, और जिसमें हम उसमें दिमाग मस्तिष्क में अपन सोचने की क्षमता रहती है अपने, और ये अलग अलग आठ छोटी हड्डियों से बनता है। मेरुदंड मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा होता है जो एक मोटी पार्श्व मुख हड्डी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कंधे से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक जाती है, मल द्वार तक जाती है। मस्तिष्क संवेदनशील कोशिकाओं से बनता है जिसकी मात्रा करोड़ों से भी अधिक होती है। मस्तिष्क भूरा गुलाबी रंग लिए पदार्थ से बनता है। मस्तिष्क की ऊपरी सतह सिकुड़ी हुई होती है, मतलब सिकुड़ी हुई होती है, बिल्कुल इकट्ठी हुई होती है चमड़ी उसकी। और यह मस्तिष्क तीन भागों में विभाजित है, सेरिब्रम और कार्टेक्स और मुडेला और मानसिक मूल का भाग है ये। तो बच्चों आपको ये पार्ट मैंने अभी दो हिस्से में अपन पढ़ेंगे, एक हिस्से में आपको मैंने बता दिया, इसका अगला हिस्सा अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।